बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहे किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाकर जा रहे हैं। हालांकि यह मोर्चे का अंत नहीं है, हमने इसे स्थगित किया है। 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी जिसमें आंदोलन की समीक्षा करेंगे। आंदोलन खत्म, सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। सिंघु और टीकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए वापस रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 116 जगहों पर लगे मोर्चे खत्म किए जाएंगे। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग से रणनीति बना चुके हैं। केंद्र सरकार ने इस बार सीधे संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबरी हाई पावर कमेटी से मीटिंग की। हाई पावर कमेटी के मेंबर बलवीर राजेवाल, गुरनाम चाडुनी, अशोक धावले, युद्धवीर सिंह और शुभ कुमार कक्का नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया किसान सभा के ऑफिस पहुंचे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर भी जुड़े। उसमें बड़ा पेंच केस कर फंसा था जिसे तत्काल वापस लेने पर केंद्र राजी हो गया। एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है वह जारी रहेगी। एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उसे भी कम नहीं किया जाएगा। वहीं केस वापसी को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश केस वापसी पर सहमत हो गई है। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रेलवे द्वारा दर्ज केस भी तत्काल वापस होंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।